पंजाब में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने सक्रियता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया। इसी दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जालंधर में श्रीराम चौक पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ भाजपा नेता और जालंधर शहर के पूर्व मेयर राकेश राठौर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। डकैतियाँ, लूट, हत्याएं, चोरियां सरेआम हो रही हैं। राज्य में हर रोज फायरिंग की वारदात हो रही है। रंगला पंजाब बनाने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार खून से पंजाब को लाल करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा न घर में और न ही बैंक में सुरक्षित है। लुटेरे हर तरफ अपना कोहराम मचाए हुए हैं। राज्य में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि भाजपा सोमवार को सूबे में पंजाब सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि आगे भी अब भाजपा पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखेगी। राकेश राठौर ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान रबड़ स्टैंप हैं। असली सरकार तो केजरीवाल दिल्ली से चला रहा है। जालंधर शहरी भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित भाटिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। आए दिन गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। राज्य में पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। सूबे की भगवंत मान सरकार अराजकता गतिविधियों को रोकने में नाकाम साबित हुई। राज्य में अराजक गतिविधियाँ बढ़ने से हर तरफ दहशत का माहौल है। लोगों को घरों से निकलना दूभर हो गया। लोग दहशत के माहौल में भी जी रहे हैं। प्रदर्शन में पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व CPS केडी भंडारी, वेस्ट से भाजपा प्रत्याशी मोहिंदर भगत, जिला भाजपा प्रधान सुशील शर्मा समेत कई पदाधिकारी ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।